यार ये थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा क्या, ये देखो भैया ने बोला थोड़ा नहीं ज्यादा एग्रेसिव है। ओ तेरी दी, ओ तेरी, जाओ इसको ले जाओ, ले जाओ। इंग्लिश कॉकर स्पैनियल और कबीर भाई यहाँ आए हैं। है छोटू सा प्यारा सा पग और इसको बिठा रखा है भैया ने, मतलब ऊंचाइयों पर रस्ट कलर आ जाता है और ये ब्लैक और टैन कलर में आप चेक कर सकते हैं भैया। इसी एक्साइटमेंट के साथ एक बार फिर से स्वागत करते हैं मैं तुषार और अनु अपने यूट्यूब चैनल अनुतुष ब्लॉग्स के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बता दूं, देहरादून पार्ट वन की वीडियो बनाई थी और ये अब पार्ट टू। ओ मतलब यार मैं आपको बता दूं ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हमें वीकेंड की बेसिकली, क्योंकि यार वीकेंड पे ये जो डॉग शोज होते हैं वो वीकेंड पे ही होते हैं और हम लोग तैयार रहते हैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड से मिलवाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग भी यार बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और अभी फिर देखते हैं आज कौन कौन सी ब्रीड देखने को मिलेंगी। और उससे पहले कर दो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करो यारो। ये देख लो गाइस, ये छोटू सा प्यारा सा पग और इसको बिठा रखा है भैया ने, मतलब ऊंचाइयों पर हम बोल सकते हैं कि डॉग शो की पूरी ऊंचाइयों पर बैठा है ये छोटा सा पग। भैया कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर से आया भैया। और ये प्यारा सा पग लेकर भैया कितने टाइम का है ये? 14 मंथ मेल है ये? फीमेल है। फीमेल है, 14 मंथ की है भैया। एग्रेसिव तो नहीं है ये? क्या हो गया ये? भैया डर रही है क्या ऊपर बैठने? गोद में आने के लिए कर रही है यार। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा एग्रेसिव है, नहीं ये तो गोद में आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। नई जंप नहीं मार देनी। भैया क्या नाम है इसका? इसका नाम नैना है। नैना नाम है गाइस इसका। और भैया आप इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो? भैया पग की कुछ खास बात बता दो मेरी व्यूअर्स को। ये पग फैमिली के लिए सबसे अच्छा डॉग है, सबसे तो काटता है और बिल्कुल छोटे रहता है। बिल्कुल छोटे उसमें आ जाता है। तो भैया अगर बात करें इसकी लाइफ स्पैन की, कितना मतलब एवरेज इसकी लाइफ कितनी रहती है? वैसे 10 साल तक रहती है, 10 इयर्स तक हो जाती है। और भैया अगर बात करें किसी ने मतलब ऐसे प्यारे से पपीज लेने हैं तो कितने में अवेलेबल हो जाते हैं? पपीज अगर लेने हैं तो कितने में अवेलेबल हो जाते हैं? 7-8 thousand। ऑल राइट, मेल और फीमेल का बता दो। फीमेल 6,000, फीमेल 6,000 और मेल 8,000 के आसपास। और बहुत ही प्यारा है। इसको आप रिंग में भी ले जा रहे हो क्या आज? नहीं। अच्छा, इसको रिंग में नहीं ले जा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा है। क्या नाम बताया था आपने? नैना। नैना नाम है इसका। और अगर ऐसे प्यारे से पपीज लेने तो भैया को कर सकते हो कॉन्टैक्ट। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दो। 9997653988 सहारनपुर है ना। ये वाले के साथ तो आप बहुत प्यार कर रहे हो, उसके साथ अगर उसको करोगे तो वो आपको काटेगा क्या? मुझे तो काटने को पड़ा था वो। ठीक है गाइस, तो आप चेक कर सकते हैं ये प्यारा सा छुटकू सा बच्चा और इतनी बड़ी ब्रीड्स के साथ यहाँ डॉग शो में आया है। तो भैया आया, भैया सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को अपने इस ब्रीड के बारे में कुछ बताइए। जो ये तिब्बतन मैस्टिफ है, आप हो कहाँ से बेसिकली? बेसिकली दिल्ली से हैं लेकिन यहीं पे हूँ अब तो मैं। ठीक है। और भैया यहाँ पर जो इन डॉग्स को वैसे बोलते हैं तो इनको नाम दिया गया है जैसे भूतिया डॉग्स बोलते हैं ना? भूतिया नहीं, इम्पोर्टेड है ये, इम्पोर्टेड। ऑल राइट, तो जैसे भैया इनकी आईज का कलर मैं देख रहा हूँ रेड, तो ये बचपन से इनका ऐसा होता है। तो ये जैसे आपके क्यूट से प्यारे से बच्चे ने बताया कि ये एग्रेसिव नहीं है और वो वाला जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ा बहुत ज्यादा। तो भैया ऐसा डिफरेंस क्यों? ये तो नेचर है अपना। अच्छा, नेचर है। मतलब यार सच में गाइस, अगर थोड़ा सा इसके पास देखो मैं, भैया इसको थोड़ा सा पकड़ के ही रखना है ना, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। इसका नाम क्या है भैया? टाइसन नाम है इसका। यार ये थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा क्या, ये देखो भैया ने बोला थोड़ा नहीं ज्यादा एग्रेसिव है। ओ तेरी दी, ओ तेरी दी। ये तो गार्डिंग पर्पस के लिए भाई एकदम मतलब नंबर वन है। और ये वाला भैया ये कितने टाइम का है? 2 साल के हैं दोनों बच्चों। इसको खड़ा कर लो, इसको खड़ा कर लो। अच्छा, ये कितने टाइम है? 2 साल का फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल है। क्या नाम रखा भैया? ऑलिव। ऑलिव नाम है। और उसका टाइसन।
टाइसन नाम है, टाइसन भी यार मतलब यार देखने से तो मेरे को प्यारा लग रहा है। मैंने यार गाइस बता दूं इसको छूने जा रहा था पर पता लगा कि नहीं ये नहीं छूने देगा और ये प्यारा सा बच्चा है, इसको कुछ भी कर लो यार ये क्यूट है। मतलब यार वही भैया बता रहे हैं कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ से लिए थे आपने ये? मैंने चाइना से इम्पोर्ट करे। चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो भैया एवरेज प्राइसिंग क्या रहती है, मतलब अगर किसी ने इम्पोर्ट कराने हो तो? मतलब मेरे को ये पड़े थे कोई 1300 रुपए का पेयर। ऑलराइट, बहुत ही प्यारे हैं। और सबसे प्यारा मेरे को लगा ये जो आपका क्यूट सा बच्चा है जैसे ये कर रहा है ना, मतलब इसके साथ प्यार आप देख सकते हैं यार, ये चला भी रहा है और मजे से पूरे मतलब डॉग शो में ऐसा ये ही चैंपियन लग रहा है, ये बच्चा ही मेरे को चैंपियन लग रहा है। बहुत ही प्यारे ये डॉग्स। हे चलो चलो ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ, आओ फिर कौन सा ले जाए हम डॉग ओलिक? क्यों दे दो यार एक तो नहीं। उसको ले जाए जो मेरे को काटने पड़ा था, उसको ले जाए हैं? क्यों मेरे प्यारे डॉग और मैं इनको कभी नहीं दूंगा, नहीं ले जा भेज सकता क्योंकि अलाउड नहीं कर सकता। अलाउड नहीं कर सकता मैं आपको भी साथ में ले जाऊंगा मैं। नो ये काटेंगे आपको जब भी मैं बोलूंगा ना, डाके डाक कर देंगे हैं। अच्छा बोलियो मत फिर, नहीं लेके जाता मैं, नहीं लेके जाता, डरा दिया आपने मेरे को। इस गुरदासपुर डॉग शो की वीडियो तो आप लोगों ने देख रखी होगी, ये राजा और आपको दिखाया था हमने उस टाइम ये बैठा था गाड़ी में और आज आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हो यार। मतलब ये भैया कितने टाइम का है? 18 मंथ्स का सैंड बर्नार्ड और बहुत ही यार मैं बोलता हूँ शानदार ब्रीड है एक्चुअली ना यार। गाइस इसका फर्स्ट फर होता है ना यार वो इतना मतलब ऐसे वूली कोटेड होता है ना यार, सच में बहुत ही तो अभी 40% है। हमने सर शेव करवा दिया था गर्मी में ना, सो इसका फर तो अभी है 40% है। ऑल राइट अभी तो 40% है, आप देखेंगे ना फिर आपको देखेगा पूरा सेट बना फरीक हो। ऑल राइट इसका नाम गाइस है राजा और बहुत ही प्यारा यार ये सच में मतलब राजा जैसा है और आप देख सकते हैं यार बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और भैया करनाल से आए हैं और भैया आप इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो ना? बिल्कुल भैया ब्रीडिंग कर रहे हैं सैंड बर्नार्ड में और बहुत ही प्यारे आप देख सकते हैं यार, मतलब बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, बहुत ही मतलब फैमिलियर डॉग बोल सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा मतलब जाइंट ब्रीड में आ जाता है। बट भैया भैया इसका जो वेट होता है वो मैक्सिमम कितना हो जाता है? सर इसका मैक्सिमम वेट 80 kg तक चला जाता है। इटा अगर ऐसा पप अगर मैंने लेना हो तो मेरे को कितने में लग जाएगा? सर आपके लिए फ्री है। थैंक यू सो मच भैया, मतलब यार सच में आपका ये जो डॉग है बहुत ही प्यारा है और उम्मीद करता हूँ कि मतलब जो प्रोडक्शन है इसकी और ज्यादा प्यारी हो। मतलब यार ऐसा है कि भैया जो आजकल चल रहा है ना, जो ब्रीडिंग चल रही है वो चल रही है बेसिकली पैसों के पर्पज से, है ना। मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन हो वो अच्छी क्वालिटी के पप्स हो, अगर किसी घर में जाए तो वो बंदा भी मतलब खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करे। एक चीज बताओ जैसे लिटर होता है जब, है ना, तो वो मतलब ऐसा होता है कि जिस हिसाब से जैसे ये कलर है तो वैसे ही पप्स आएंगे या इसके ब्लैक एंड व्हाइट भी आ सकते हैं? सर ऐसा है फीमेल कॉम्बिनेशन भी होता है, मैटर करता है वो भी क्या है, अगर हम मेल फीमेल क्या यूज कर रहे हैं दोनों मैटर करते हैं। ऑल राइट तो भैया इसका लिटर साइज कितना रहता है? सर इसका मैक्सिमम जो मेरे पास हुआ 17 का भाई साहब, 17 का लीटर जो मैक्सिमम भैया बता रहे हैं इसका। और मतलब यार भैया इसकी इसके जो पप्स होते हैं कितने में अवेलेबल हो जाते हैं? सर इसके पप्स 60,000 से स्टार्टिंग है। 60,000 से स्टार्टिंग है और मतलब डिपेंड करता है अगर वो चैंपियन है तो थोड़ा क्वालिटी। यस 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 ऑल राइट तो भैया एक बार अपने कैनल का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर काइंडली शेयर कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को ताकि अगर किसी ने ऐसे प्यारे पप्स लेने तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। कॉन्टैक्ट नंबर है, कैनल का नाम दोबारा बोलो, भाटिया कैनल नीलू खेड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा, एंड कॉन्टैक्ट नंबर 9896777725। हाल चाल है आपके? बढ़िया भैया। भैया लेकर आए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारे से रॉटवाइलर, और रॉटवाइलर को तो यार भाई जानते ही होंगे आप लोग, तो रॉटवाइलर से सबसे पहले मिलवाते हैं। तो एक एक भैया यहाँ पर ये भी आए, भैया आप कहाँ से आए हो? हम लोग सहारनपुर से। सहारनपुर से, और भैया आप? देहरादून से। देहरादून से हैं भैया और रॉट लेकर आए हैं यहाँ पर। रॉट है जो इनकी, भैया ये फीमेल है ना? जी ये फीमेल है, इम्पोर्ट फीमेल है। इम्पोर्ट फीमेल है, ऑल राइट। तो मेरे व्यूअर्स को भैया आपने रॉट के बारे में बताइए कुछ। मतलब लोगों के अंदर मिथ है कि रॉटवाइलर एग्रेसिव डॉग्स होते हैं ना, अब आप देखिए आप पहली बार मिल रहे हैं
इन्हें कुछ भी मतलब वो नहीं होता है, मतलब ये मतलब फैमिलियर डॉग होते हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मिथ है। ये मेन चीज होती है परवरिश के ऊपर, लोग कैसे रख रहे हैं कैसे नहीं रख रहे हैं। और मेरा तो 2.5 साल का बच्चा है, उसे तक कुछ नहीं कहते हैं ये। बिल्कुल, उसके मेरा ये सबसे गुजारिश है कि जो मिथ बना हुआ है वो अपना हटाइए, इनसे ज्यादा प्यारा डॉग कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, तो भैया अगर आप जैसे बोल रहे हैं ना इनसे प्यारा डॉग, तो यार यहाँ पर मतलब बैन वैन कर रहे हैं इलाके में, किसने गाय बैन कर रहे हैं? ठीक है गाइस, तो मतलब सच में यार एग्रेसिव ब्रीड नहीं है ये, बहुत प्यारी है और आपके केयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये रॉटवाइलर्स बहुत ही शानदार। तो भैया इसमें जो कलर आता है बेसिकली कलर यही आता है या और कलर में भी? रॉटवाइलर खाली ब्लैक एंड टैन कलर का ही होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। आजकल लोग कहते हैं ब्लैक कलर का रॉटवाइलर होना चाहिए, रॉटवाइलर के अगर आप स्टैंडर्ड ही पढ़ोगे ब्लैक एंड टैन होना चाहिए। बहुत सारे रोड वाले होते हैं जिनकी चेस्टी पूरी ब्लैक होती है, वो रोड वाले नहीं होते, वो लैब्राडोर है ना। अच्छा, मतलब ये आप बता रहे हो कि कौन सा फेक रोड वाइलर है और कौन सा रियल है ना, जिसकी हर जगह चेक कर सकते हैं। रोड वाइलर ब्लैक एंड टैन कलर का, मतलब इसकी चेस्ट पे अगर दिखाए तो थोड़ा टैन कलर होता है, मुंह में भी टैन कलर होना चाहिए। ऑल राइट ऑल राइट। हे, क्या नाम है भैया इसका? बिया। बिया? बिया जी। ओहो भैया, इसका क्या नाम है? ब्राउनी। ब्राउनी, ये मेल है फीमेल है? फीमेल है ये। और अभी इनके रिंग लग चुकी है भैया? अभी लग फाइनल राउंड में। अच्छा, फाइनल राउंड के लिए आप लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट है ना। तो आप लोग इस पे ब्रीडिंग भी कर रहे हो भैया? जी, मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, मेरा रेंडियर्स कैनल के नाम से कैनल है और मेरे पास अराउंड 6 इम्पोर्ट डॉग्स है देहरादून में। जी, देहरादून में, सरदार रोड में। तो भैया कितने में पप्स अवेलेबल हो जाते हैं? कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड है, हमारे 35,000 से लेके 1.5 लाख तक है, 1.5 लाख तक रहता है। अच्छा, मेरे डॉग्स की फीमेल पप है, 12 मंथ्स की है ये। अच्छा, तो भैया आप भी अलग से ब्रीडिंग कर रहे हो क्या? नहीं, 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 ये शौकी है, लेकिन रखते प्योर है। ऑल राइट, बहुत ही प्यारा है यार। ओके ओके ओके, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अगर भैया किसी ने लेने हो तो मेरे व्यूअर के साथ अपना कांटेक्ट नंबर काइंडली शेयर करें। मेरा नंबर है 8178112480। गाइस, पारस भैया आए सहारनपुर से। आए भैया सहारनपुर से आए और आप देख सकते हैं यार, गोल्डन रिट्रीवर भाई साहब, इतना प्लेफुल ना। और भैया साथ में लेकर आए जर्मन शेफर्ड और एक यहाँ पर है हस्की प्यारा सा। और आज भैया लेकर आया इनको शो के लिए और बहुत ही प्यारे भैया के पास और बहुत ही प्यारे भैया के पास यहाँ पर डॉग है। आप देख सकते हैं यार, मतलब जर्मन शेफर्ड है, रिट्रीवर है और हस्की है। तो भैया, अच्छा हस्की भैया आपका भैया, मतलब बोल रहे हैं कि ये भी साथ में ही आए हैं, तो साथ में है, वो भी साथ में है, सभी मतलब साथ में आए हैं और एक बढ़िया सा यहाँ पे माहौल बना दिया है भैया ने। भैया तो आप ब्रीडिंग भी कर रहे हो क्या इनमें? जी, जी, जी। गोल्डन रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड। भैया गोल्डन रिट्रीवर अगर ऐसा, इसका नाम क्या है पहले तो नाम बता दो? टाइसन नाम है, टाइसन इसका नाम रखा है। और कितने टाइम का भैया ये? भाई ये भी 1.5 साल का हुआ है। 1.5 साल का हुआ है और आप गाइस देख सकते हो बहुत ही प्यारा और ग्रोथ इतनी शानदार है। और भैया साथ ही साथ ये जो कोट है ना साइड हो रहा है ना, 30% है बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब अभी और इसकी जो हेयर है वो और फुल ग्रोथ में अभी आएगा। और ये जर्मन शेफर्ड के बारे में भी बता दो भैया व्यूअर्स को, ये मेल है फीमेल है? ये मैक्स है इसका नाम है, ये मेल है। अच्छा, ये भी 1.5 साल का है। ये भी 1.5 साल का है और आज ये शो के लिए हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। और भैया जो ये गोल्डन रिट्रीवर और आप साथ में लाए हैं ये जर्मन शेफर्ड, रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड जैसे आपने बताया कि साथ साथ में ही है ना, तो ये खुद भी आपस में खेलते रहते हैं या फिर जी, थोड़ा जी, सा लड़ाई वड़ाई कर नहीं, लेते हैं? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं होता, प्यार है इनका। साहिल भाई जो है अपने, मतलब उनके उनके हाथ के बिना खाना भी नहीं खाता है, उनके हाथ से खाता है, अपने बड़े भाई से जब बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हो गाइस इसका ग्रोथ चेक कर सकते हो, बहुत ही शानदार। अगर भैया ऐसे प्यारे से पपीज लेने हो तो कितने में अवेलेबल हो जाते हैं भैया? इसका जो मेल है वो 30,000 और फीमेल 25,000 रिट्रीवर की। जी जी। और जर्मन शेफर्ड की भैया? जर्मन शेफर्ड की भी भैया जो अच्छी फीमेल है देखो, तो वो एक साथ में भी है भैया, नीचे छुपा वो भी अपना है? वो भी अपना है। अच्छा अच्छा, कितना इसका एवरेज प्राइसिंग कितना भैया? इसकी जो शॉर्ट कोट में फीमेल लेंगे तो ये मिलेगी 25,000 से 30,000 तक की, और मेल मिलेगा हमारा 40 से 45, अच्छी क्वालिटी का। ऑल राइट, और एक बार अपने कॉन्टेक्ट नंबर भैया शेयर कर दो। 9996 3098। ऑल राइट, और साथ में ये हस्की भी भैया दिखा है,
हमें यहाँ पे प्यारा सा। और ये भैया आए हैं, भैया कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। भैया सहारनपुर से हस्की लेकर आए, भैया इसको शो करने के लिए लेके आए? अच्छा, क्या नाम है भैया इसका? शैलो। शैलो, और भैया हमें ये अट्रैक्ट किया एक्चुअली जो इसके ये नोज पे मार्क है ना इसके फेस पे जो, ये कैसा है भैया? मतलब इसके मदर फादर के भी ऐसा है या इसी का? अच्छा, इसके फादर पे है, बहुत ही प्यारा। कितने टाइम का भैया ये? वन ईयर की फीमेल है ये, आप देख सकते हो। भैया ये कलर कौन सा आता है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। और इनका आईज का कलर कौन सा है? ब्लैक। और जो इनके भैया ईयर अगर बात करें तो जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में है ये, इनकी करी जाती है जैसे क्रॉप किए जाते हैं या फिर ये बचपन से? बचपन से। अच्छा, बचपन से ही ऐसे है। बहुत प्यारा ये हस्की है भैया का। भैया इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो क्या? हाँ जी, भैया। अच्छा, हस्की की एक बात बता दो भैया, जैसे कुछ व्यूअर जैसे बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा ये हूट करते हैं ना रात को, इसमें थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है? हूटिंग नहीं करते वो, कोई में से दो चार करते हैं जो हूटिंग करते हैं। अच्छा, वो भी तब करते होंगे अगर कोई छेड़खानी करता होगा। हाँ, तो भैया ऐसे अगर पपीज लेने हो तो कितने में अवेलेबल हो जाते हैं? 20 से 25 हजार रुपए में। और भैया आपकी लोकेशन है सहारनपुर, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी काइंडली शेयर करें। कॉन्टैक्ट नंबर है भैया 8273000911। क्या नाम है भैया? राहुल। कैनल है आपका या होम ब्रीडिंग है? मेरा कैनल है। क्या नाम है कैनल का? राहुल पेट शॉप। राहुल। ये देखिए गाइस, ये है भाई साहब शिट्जूस का भंडार, और भैया लेकर आए हैं शिट्जू प्यारे। भैया कहाँ से आए हो? भैया सहारनपुर से। भैया सहारनपुर से आए हैं और आप पपीज देख सकते हो यहाँ पर, बहुत ही प्यारे जू का गाइस। 40 डेज का पपी, कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब 4-5 दिन का, यार बहुत ही प्यारा है, सच में लाजवाब है। भैया कलर कौन सा आता है ये? ये ट्राई कलर है भैया। ट्राई कलर। ट्राई कलर में व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक है ना? ओह हो भाई साहब, आप देख सकते हो गाइस बहुत ही प्यारे। भैया कितने आए ये टोटल? टोटल है 5, इसमें से एक तो सेल हो रखा है। अच्छा, देना है। अच्छा, अभी देना है भैया ने किसी को। भैया इसके मदर फादर अगर कोई देखना चाहे तो वो भी आप दिखा देते? मेरे पास लाइव है सर। अच्छा, यहीं पर ही है भैया के पास। और भैया क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? डिमांड भैया मेल 20,000 रुपए का और फीमेल 15,000 रुपए। फीमेल 15। गाइस आप ऐसे प्यारे से शिट्जूज अगर किसी ने लेने हो तो भैया को कर सकते हो कांटेक्ट। एक बार भैया कांटेक्ट नंबर व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए। नंबर है, कॉलिंग नंबर तो है 9927014468 और व्हाट्सएप नंबर है 7417144। और लोकेशन रहेगी सहारनपुर। और भैया डिलीवरी हो जाती है? डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। तो भैया एक बार डिलीवरी के भी बता दीजिए, अगर बाई चांस किसी ने चंडीगढ़ तक लेने हो तो डिलीवरी चार्जेस एवरेज प्राइसिंग क्या रहेगी? 2000 के आसपास। बहुत ही प्यारे और शानदार ये पप। गाइस चेक दिस ब्रीड, दिस इज इंग्लिश कॉकर स्पैनियल। और कबीर भाई यहाँ पहुंचे हैं, कबीर भाई यहाँ के लोकल ही है, तो भैया वेलकम है आपका इस डॉग शो में। बहुत ही प्यारे भैया लेकर आए हैं इंग्लिश कॉकर स्पैनियल विच इज इन ब्लैक कलर गाइस। तो भैया सबसे पहले माइक को देखकर थोड़े से एक्साइटेड होते हुए, तो भैया आपने बच्चों के बारे में कुछ बताया मेरे व्यूअर्स? ये ब्रीड भैया बहुत अच्छी है और इतना अग्रेसिव भी नहीं होता, बढ़िया होता है, पालने में कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइम के है भैया ये? भैया 4 साल की है, 1 साल की है। 4 साल की और ये 1 साल की। और क्या नाम रखा है भैया आपने? नाम नैन्सी है। ओके। इसका नाम रोजी है। अच्छा, रोजी का गाइस आप देख सकते हैं टीथ जो है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो रही है ये यहाँ डॉग शो में, स्पेशली हमारे माइक को देखकर। तो भैया कितना टाइम हो गया, मतलब आप इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो क्या? अच्छा, ब्रीडिंग नहीं कर रहे आप, शो करने के लिए लाए यहाँ पे। ऑल राइट, तो किसको अंदर रिंग में ले जाओगे भैया? ये रोजी को। रोजी को भैया ले जाएंगे रिंग में। और भैया बहुत ही आपके ये प्यारे से पप्स हैं। चेक दिस ब्रीड गाइस, फिर से मिली है एक बार हमें टिबेटियन मैस्टिफ और बहुत ही प्यारे हैं। भैया क्या नाम है इसका? वीरा नाम है इसका। और वीरा के साथ एक और भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसका नाम क्या भैया? मुहासा। मुहासा। और बहुत ही प्यारा ये कलर कौन सा आ जाता है भैया? ये रस्ट कलर आ जाता है। और ये ब्लैक और टैन कलर में आप चेक कर सकते हैं। भैया इनकी एज क्या है? 10 मंथ्स और 3 इयर्स। ऑल राइट, तो इसकी हाइट कितनी होगी भैया? 31 इंच के आसपास। 31 इंच। जिस हिसाब से भैया इसका मतलब हेयर ग्रोथ है ना, तो इसकी आप ग्रूमिंग वगैरह भी करते हो या होने देते हो? जितनी इसकी लेंथ होती है डेली ग्रूमिंग होती है। और आप चेक कर सकते हो यार, पूरे मतलब फुल ग्रोथ में ये है और बहुत ही प्यारा, मतलब बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है गाय। भैया आप लोग इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो? भैया यहाँ पे उत्तराखंड साइड में इसको ना भूतिया नाम से जाना जाता है। भूटिया। और आप अभी बता रहे थे भैया, क्या डिफरेंस क्या होता है मैस्टिफ और भूटिया में?
भोटिया ब्रीड जो होगी वो मिक्स होता है, ओरिजिनल ब्रीड नहीं है। अच्छा वो मिक्स ब्रीड होता है। बेसिकली वो इंडियन ब्रीड है। ब्रीड से वो हाइब्रिड है। अच्छा किससे हाइब्रिड है? ये ओरिजिनल तिब्बती ब्रीड है। अच्छा ये तिब्बत की ब्रीड है और भोटिया ब्रीड नहीं होती। भोटिया जो गांव के लोग होते हैं गुज्जर को भोटिया कहते हैं। ऑलराइट, तो भैया आप इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो? वो ब्रीड भी तिब्बती नस्ल भी होती है। फर्क यह होता है कि वो ये हाइब्रिड होगी और नॉर्मल ब्रीड होगी। अच्छा। वो भी तिब्बती नस्ल होगी, जैसे हमारी कार्स में 800 कार होगी, मर्सिडीज कार होगी, जैसे ही हो गया। ठीक है, तो भैया आप इसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हो ना? आज़ी, आज़ी। तो भैया कितने में पप्स कितने में अवेलेबल हो जाते हैं? 1 लाख से स्टार्टिंग है। 1 लाख से स्टार्टिंग है। तो गाइज आप देख सकते हैं यार, मतलब बहुत ही शानदार है। अगर किसी ने ऐसे बच्चे लेने हो तो ले सकते हैं, क्योंकि यार गार्ड डॉग के लिए ना, गार्डिंग पर्पस के लिए बहुत ही शानदार है। यहाँ पर फ्रेंडली है, आप कैनल में नहीं आ सकते। अच्छा हाँ, ये भी बात है, हम कैनल में नहीं आ सकते, पर वीरा हमें पहचान ले यार, कैनल में अलाउ कर दियो। नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ये प्यारे से यहाँ पर आप देख सकते हो मैस्टिफ्स। और अगर ऐसे प्यारे लेने हो किसी ने पप्पीज, भैया लीटर अभी अवेलेबल है, जनवरी में अवेलेबल है, तो भैया आपने एक बार कॉन्टेक्ट नंबर काइंडली शेयर कर दीजिए। 8477007878 संदीप रावत। और लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन देहरादून। और डिलीवरी भैया अगर ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी डिलीवरी होगी। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डॉग शो, जो कि KCI डॉग शो देहरादून वाला है। और हमारे टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो।